হয় 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 কম মানে সি নহয় নহয় তেনেকা নহয় ই হিট টেম্পারেচার ইজ ইনক্রিজ বহুত সারা টেম্পারেচার ইনক্রিজ হো গিয়া হ্যাঁ गुवाहाटी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देखा था विच इज 38 डिग्री का ऊपर हो गया है हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ जून साथ ही साथ इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कि कई कई जगह पे हमारा फीडर्स भी वायर्स भी बहुत सारा जल हो गया है तो इसका कारण कभी कभी हम लोग का काम करने के टाइम पे हम लोग को शेडिंग करना पड़ता है बिकॉज इफ वी डोंट शेड द लोड फिर हमारा कहीं पे कनेक्शन काम करने वाला फिर उसको प्रॉब्लम आता है इसलिए आई थिंक दैट हम लोग जितना ये हीट वेव को विद द कॉमन पीपल एज वेल एज विद द गवर्नमेंट कैसे करके अच्छा करने के लिए कोशिश में है एज हीट जैसे आ रहा है दिस इज अ ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन में हम लोग कैसे करके अच्छा हो सके क्या इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही कोशिश करना पड़ेगा इसके लिए आज में दिस इज वन ऑफ द स्टेप वी आर प्लांटेशन क्या है ये बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम हुआ है एंड देन आई सपोज वी विल बी एबल टू कम थ्रू दिस हीट whatever the population is going on through electricity bill jo bahut zyada aapka 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 ek ek bolega ek ek bolega ek 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 bolega smartphone ke liye bahut ek 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 batayega aapka to aapka electricity ka bill ka upar mein hai this is not the one that hamara apdcl ne kiya hai aise nahi hai there is a regulatory commission ये रेगुलेटरी कमीशन के हिसाब में हम लोग करना पड़ता है और करना पड़ने के लिए कारण भी है क्योंकि हमारा जब भी फ्यूल प्राइस हाई हो जाता है दिस इज ग्लोबली बीइंग डन तो लास्ट टाइम में देखा गया कि इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज टू 4 times जितना था तो जितना 4 times हुआ है उसका इंक्रीज करने के हिसाब से हम लोग ने देखा है कि कैसे करके AERC ने देखा है कि कैसे करके इसका बढ़ा के कितना परसेंट में आके कितना दे सकता है तो इट हैज मिनिमाइज्ड इट ओनली टू अ 30 paisa बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरा स्टेट्स को देखेगा तो बेंगलोर इज ऑलरेडी स्टार्टेड एज अ मोर देन व्हाट असम इज एंड कंपेरेटिवली हम लोग कोशिश करता है कि उसको कैसे करके वी विल बी एबल टू मूव इट फर्दर योर क्वेश्चन ऑन द स्मार्ट मीटर कि आपको प्रॉब्लम के बिल के हिसाब में आई डोंट थिंक देर हैज टू बी इतना खराब होने का नहीं है देर कुड बी वी आर चेकिंग ऑन इट देर कुड बी हम बोल रहा है कि देर कुड बी सम एनोमलीज इन द स्मार्ट मीटर्स तो हम लोग चेक करने के लिए उसमें है जो स्मार्ट मीटर्स कंपनी की तरफ से अच्छा से नहीं आ रहा है गवर्नमेंट विल टेक अ स्ट्रांग एक्शन ऑन इट लेकिन जितने का देखा जाए स्मार्ट मीटर हम लोग भी खुद का घर में वी आर ऑल्सो डूइंग विद ना प्रीपेड सिस्टम ऑफ स्मार्ट मीटर वहां में भी प्रीपेड सिस्टम ऑफ स्मार्ट मीटर में देखने में ऐसा लगता है कि जो हम कंज्यूम किया है वही सिर्फ आता है और हम आज यूनिट कितना कंज्यूम किया है वो भी हमारा साथ में है और ये सब ऐप अगर अब ऐप निकाल गया है उस ऐप में आप लोगों ने डाउनलोड करने से पता चल जाता है कि इसका ऐप का हिसाब में आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है ऐसे नहीं है कि वो किसी ने बिल बढ़ा दिया है किसी ने ये कि ऐसे करके नहीं है तो आई थिंक जो हीट के हिसाब से और ऐसा भी होता है कि पहला जब हम लोग देखा था एक ड्राइव किया था लास्ट सेप्टेम्बर में जब ये स्मार्ट मीटर आने का पहला में वी हैड सीन कि किसी किसी का घर में 4 units होता है बट एक्चुअली उन लोग 4 units नहीं दिखाता था सिर्फ 1 unit ही कंज्यूम करता बोल के दिखाता है एंड 3 units तो रह जाता है दिस इज अ जनरल आई एम स्पीकिंग इट लेकिन बाद में जब हम लोग ने देखा है और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट भी दिया है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया है थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू मीडिया तब आदमी लोगों ने आके अपना आपको देखने के लिए दिया है कि आई एम कंज्यूमिंग 4 units बट इट इज़ नॉट ओनली 1 अभी उसका घर में अगर हम लोग ने स्मार्ट मीटर लगाया है तो डेफिनेटली जो अगर 1 unit का आगे पहला आया था अभी रेस्ट ऑफ द 3 units भी आ जाएगा इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट जितना कोशिश करेगा या गवर्नमेंट जितना कोशिश करेगा वो पब्लिक के लिए ही है वी आर नॉट अगेंस्ट द पब्लिक थैंक यू सो मच আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত